20 के सेकंड पार्ट में हम एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होते हैं, एक्सरेज को प्रोड्यूस किस तरह किया जाता है, उनके क्या यूजेस हैं और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। एक्सरेज सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वो रेंज है जो 10^-8 से 10^-12 के दरमियान होती है। ये इनविजिबल रेंज के अंदर आती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हैं, मगर इनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। सबसे मशहूर इस्तेमाल है एक्सरे, जो ह्यूमन बॉडी का हड्डियों का स्ट्रक्चर हमें बताता है। वो किस तरह काम करता है कि इंसान एक्सरेज इतने छोटे होते हैं कि वो ह्यूमन टिश्यूज के अंदर से गुजर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एटम क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है और टिश्यूज, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। एक्सरेज इतने छोटे हैं कि वो टिश्यूज के भी अंदर से गुजर जाते हैं, मगर हड्डियों के अंदर से वो कम गुजरते हैं, क्योंकि हड्डियों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो रेडिएशंस कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसकी वजह से अगर हम पीछे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखें तो वो जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्क्रीन ऐसी स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जहाँ पर हड्डियाँ होंगी वहाँ पर उसका कलर मुख्तलिफ शेड होगा, और जहाँ पर टिश्यूज़ होंगे, टिश्यूज़ भी हमें नज़र आते हैं मगर हल्के नज़र आते हैं। इस तरह हम हड्डियों का स्ट्रक्चर बड़ी डिटेल से देख सकते हैं और अगर कोई फ्रैक्चर हो तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज हमने देखा 10^-8 से लेकर 10^-12 तक होती है मीटर्स, मगर नॉर्मली 10^-10 कहा जाता है कि एक्सरे की वेवलेंथ 10^-10 है, क्योंकि इसके सेंटर में आती है। ऑन एवरेज 10^-10 होती है और इन सब ऑप्शन में से यही करीब तरीन है। बोन्स एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज देन फ्लैश, इसी वजह से हम एक्सरे कर पाते हैं, क्योंकि अगर ये किसी का बाजू है और उसमें हड्डी है तो एक्सरे जो है वो एक्सरेज फ्लैश में से तो गुजर जाएंगी लेकिन हड्डी में से नहीं गुजरेंगी। ये क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है बोन की। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? बोन लाए बिलो द फ्लैश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोन्स आर लाइट इन कलर, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सरेज जो हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर उसकी पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो पूरे फ्लैश में से गुजर रही हैं तो वो हड्डियों में से भी गुजर सकती हैं, या कलर के साथ एक्सरे का कोई ताल्लुक नहीं है। बोन्स कंटेन मटेरियल ऑफ लो डेंसिटीज या बोन्स कंटेन मटेरियल ऑफ हाई डेंसिटीज, तो डेंसिटी क्या होती है, कोई चीज़ कितने करीब करीब है, जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी एक्सरे को गुजरने में मसला होगा। तो रिलेटिवली बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है फ्लैश से, तो फ्लैश में से तो वो गुजर जाती हैं लेकिन बोन्स से गुजरने में उनको मसला होता है क्योंकि बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। दो तरह के एक्सरेज होते हैं और वो दो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पैदा होते हैं। पहले किस्म के एक्सरेज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। वो क्यों पैदा होते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर इस एटम के ऊपर हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, वो मैं इंसिडेंट कराऊं तो वो इस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, उसकी जगह खाली स्पेस आ गई। इस खाली स्पेस को फिल करने के लिए, चूंकि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ सकते हैं आराम से और नीचे वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए वो नीचे आते हैं, और जब ये नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं जो एक्सरेज की रेंज में होती है और उसको हम एक्सरे कहते हैं। इन दो शेल्स, हमें पता है कि शेल्स हमेशा फिक्स्ड रेडियस के ऊपर होते हैं, तो दो शेल्स के बीच में जो जब ट्रांजिशन होती है तो हमेशा एक फिक्स्ड एनर्जी रिलीज होती है, एक फिक्स्ड क्वांटम ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इन दोनों शेल्स की एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। इन शेल्स को हम यू लेबल करते हैं KLM। तो L शेल में जो एनर्जी है K शेल में जो एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उस एक्सरे की एनर्जी होगी हमेशा। इसको हम HF कह सकते हैं क्योंकि वो एक क्वांटम होता है, एक क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है। इसी तरह अगर L के बजाय M शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता इस खाली स्पेस के ऊपर तो वो एनर्जी M माइनस एनर्जी ऑफ K शेल का फोटोन या क्वांटम एमिट करता। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास एक्सरेज आएंगी उनकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी। एक फ्रीक्वेंसी होगी HF1, एक फ्रीक्वेंसी होगी HF2 और उनके बीच में कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं होगी। ऐसे एक्सरेज को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से एक्सरेज पैदा होते हैं वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, मगर जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रहा होता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, तो उसकी वजह से
चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हम असर पड़ चुके हैं, इस फिनोमेना की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिट होती है स्पेस में से। तो जब हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा हो जाती हैं। अगर उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सॉरी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो वो जब एक्सेलरेट या डिसेलरेट करेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होगी वो बहुत हाई रेंज में होगी, यानी हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर होगी, और एक्सरेज की रेंज में जब ये इस तरह की रेडिएशन पैदा होती है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। कॉन्टिन्यूस वो इसलिए होता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बरक्स, जो कि सिर्फ दो एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन की वजह से हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो वो सब एक स्पीड के ऊपर नहीं होते, कोई ऐसी वजह नहीं होती कि वो सब एक स्पीड के ऊपर हो, वो सब स्लाइटली मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर हो सकते हैं, और जब वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट करते हैं उनकी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन डिफरेंट स्पीड पे हो सकती है, जिसकी वजह से वो जो रेडिएशन इमिट करते हैं वो एक रेंज में होती है, वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होती बल्कि वो पूरी एक रेंज के ऊपर होती है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन हुज एनर्जी इज गिवन बाय एच एफ इज इक्वल टू ई एम माइनस ई के। ये सारा मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर करें। तो हमने देखा ऑर्बिट्स किस तरह थे, के एल एम। अब जब के शेल में से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया किसी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने और एल शेल से के शेल में इलेक्ट्रॉन आया तो जो वो फोटोन एमिट करेगा हम उसको कहेंगे के अल्फा, क्योंकि वो के शेल के अंदर आया है और के शेल से एक ऊपर वाले शेल से आया, अगर वो दो ऊपर वाले शेल से आता तो के बीटा एंड सो ऑन। अगर वो एल शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ होता और एम शेल से एल शेल में आ रहा होता तो हम कहते एल, यानी एल में वो आया और एक ऊपर इससे एक ऊपर वाले शेल से आया एल अल्फा, दो ऊपर वाले शेल से आया एल बीटा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास है एम माइनस के, यानी एम शेल से के शेल में आया है, के शेल में आया है तो हम के लिखेंगे और दो ऊपर उससे एल एम दो ऊपर वाले ऑर्बिट में से आया है तो हम उसको कहेंगे के बीटा। तो इसका आंसर है के बीटा। एक्सरेज हम कैथोड रे ट्यूब की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो पढ़ी तो उसमें हमने कैथोड रे ट्यूब पढ़ी थी जिसके अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसको वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, और ये हम मुख्तलिफ चीज़ों में पढ़ चुके हैं क्योंकि इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर हम देख सकते हैं। तो एक्सरेस प्रोड्यूस कराने के लिए हम कैथोड और एनोड के बीच में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में से निकलें वो बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी हो उनकी। उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बराबर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने कैथोड और एनोड के दरमियान दिया है टाइम्स चार्ज, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इतनी काइनेटिक हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड के ऊपर। जब ये एनोड के ऊपर आते हैं एनोड के ऊपर टंगस्टन की कोटिंग होती है। टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करा के एक्सरेज इमिट करा सकते हैं, वो उस रेंज में होती है उसकी एनर्जीज। तो फिर अब जो हमने दो फिनोमेना पढ़े जिनकी वजह से एक्सरेज पैदा होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कॉन्टिन्यूस एक्सरे, वो दोनों फिनोमेना अब इस जगह पे होंगे। पहला फिनोमेना क्या था कि एक एटम के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट कराए, तो टंगस्टन के ऊपर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं स्ट्राइक करने, तो ये उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे, स्ट्राइक आउट कर देंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे। दूसरा क्या फिनोमेना होगा कि जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एनोड से टकराएंगे तो इनकी स्पीड कम होगी, ये डिसेलरेट होंगे। जब ये डिसेलरेट होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे और वो एमिशन भी
एक्सरेज की रेंज में भी। तो इस पूरे इक्विपमेंट से हम कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्टिन्यूस दोनों एक्सरेज प्रोड्यूस करा सकते हैं। 4200 वोल्ट इज यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन द स्पीड ऑफ एक्सरे। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज टाइम्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, जो वोल्टेज हमने कैथोड और एनोड के दरमियान अप्लाई की है, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 4200 वोल्ट्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, इससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड बराबर होगी अंडर रूट 2 टाइम्स वी ई डिवाइडेड बाय एम के। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 टाइम्स 4200 वोल्टेज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम्स, डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स अंडर रूट। इसमें इस कैलकुलेशन को हम कैलकुलेटर के बगैर बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। इसका आंसर आता है ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर 7, 2 पॉइंट समथिंग 10 रेज टू पावर 7। तो इसका हम ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। The shortest wavelength of continuous X-ray emitted from an X-ray tube depend on current in the tube, voltage applied, nature of tube, atomic number of the target. तो इसमें से हम कौन से options rule out कर सकते हैं? Continuous X-ray हैं जो कि electron की deceleration की वजह से पैदा होते हैं। तो atomic number of the target की वजह से तो characteristic X-rays पैदा होते हैं जो atomic inner shell transitions की वजह से होते हैं और उनका ताल्लुक atom के structure के ऊपर होता है, इसलिए ये option हम cross कर सकते हैं। बाकी करंट इन द ट्यूब, नेचर ऑफ द ट्यूब या वोल्टेज अप्लाइड, इसमें से हम क्या चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं? वोल्टेज अप्लाइड हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ये सही हो सकता है क्योंकि ये हमारे हाथ में है, मगर हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस एक्सरे डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की डिसेलरेशन की वजह से पैदा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वोल्टेज अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, जो कि बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेलरेट या डिसेलरेट करेगी, चेंज होगी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करी है अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर, और वैसे भी हम अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि हम अप्लाइड वोल्टेज चेंज करके, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते हैं। जब हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर लेंगे तो फिर हम उसकी वजह से पैदा होने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। Which of the following spectra is most typical output of an X-ray tube? हमारे पास इस सवाल के फिगर्स नहीं है, मगर एक एक्सरे की टिपिकल आउटपुट यहाँ पर, अगर आपके पास वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान होती है कि हम देखते हैं किस वेवलेंथ पे क्या इंटेंसिटी है। एक्सरेज जब हम प्रोड्यूस करते हैं एक्सरे ट्यूब से तो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और फिर उसमें स्पाइक्स होती हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को रिप्रेजेंट करी होती है। तो एक एक्सरे की टिपिकल आउटपुट इस किस्म की होती है, उसमें स्पाइक्स होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक और फिर कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की वजह से बाकी का कर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस वी वन इज के ई वन। वेल बेसिकली हमारे पास, हम एक्सरेज प्रोड्यूस करें, दो हमारे पास एक्सरे ट्यूब्स हैं, एक में हम पोटेंशियल डिफरेंस वी वन प्रोड्यूस अप्लाई करते हैं और दूसरे में वी टू। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के ई वन है और दूसरे के अंदर के ई टू है। अगर वी वन वी टू का आपस में रेशो 2:3 है तो काइनेटिक एनर्जीज का आपस में क्या रेशो होगा, इससे हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड। तो जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वी स्क्वायर्ड होता है। तो अगर हमारे पास 2:3 V है तो इसका स्क्वायर्ड रिलेशनशिप है स्पीड के साथ और स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, मगर उन्होंने हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, उन्होंने हमसे स्पीड तो नहीं पूछी। अगर स्पीड पूछी होती तब स्क्वायर्ड रिलेशनशिप होता। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल के, तो जो अप्लाइड पोटेंशियल का रिलेशनशिप है वही काइनेटिक एनर्जीज का भी रिलेशनशिप होगा। अगर उन्होंने हमसे स्पीड पूछी होती तो फिर हम स्क्वायर करते 2:3, 4:9 होता, मगर उन्होंने हमसे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप पूछा है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 2:3 इसका आंसर है।
X-rays from a given X-ray tube operating under specific conditions have a minimum wavelength. The value of minimum wavelength can be reduced by cooling the target, reducing the temperature of the filament, increasing the potential difference, or reducing the pressure in the tube. तो हमने देखा कि X-ray का typical graph होता है इस तरह का, उसमें एक minimum wavelength होती है और characteristic X-rays की वजह से कुछ spikes होती हैं. Minimum wavelength continuous X-rays के ऊपर depend करती है और continuous X-rays electron की speed की वजह से होते हैं, deceleration की वजह से होते हैं, जो कि kinetic energy की relation शिप हमें बताता है कि ये रिलेशनशिप है. तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर लें तो हम स्पीड चेंज कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है. व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द टारगेट इन एक्सरे ट्यूब बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस वी. टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एम एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एज ई. क्या होगा स्पीड हमने कैलकुलेट की थी, divided by m, ये हम पिछले एक MCQ में calculate की थी. तो हम देखते हैं कि कौन सा option है हमें चाहिए, under root 2 times v into e divided by mass. तो चूंकि इसमें misprints हैं, मगर मेरे ख्याल से ये वाला option D इसका ठीक है. What will be the energy of accelerated electron used to produce X-rays when the accelerating potential is? Kinetic energy जो electron की होती है वो applied voltage time charge on an electron. Applied voltage है 2 kilovolts और charge है 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. 1.6 into 2, 3.2 और kilo और इसको हमने multiply किया तो minus 16 joules आना चाहिए. मगर हमारे पास जो options है उसमें minus 16 नहीं है. एक positive 19 है, दो positive 19 वाले हैं जो कि गलत हैं. और minus 19 और एक माइनस 14 है. माइनस 19 के साथ 1.6 है और माइनस 14 के साथ 3.2 है. हम ऑर्डर को ज्यादा देखते हैं क्योंकि ऑर्डर, अगर हमारी अजम्पशंस या कोई गलती भी हो तो कम से कम हमारा आंसर ऑर्डर्स में तो ठीक आना चाहिए. अगर ऑर्डर्स गलत हो तो इसका मतलब है बिल्कुल गलत है. तो हम माइनस 19 वाला चूज करें या माइनस 14. हम माइनस 14 करते हैं क्योंकि वो हमारे आंसर से करीब है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज. हमने इस चैप्टर में पढ़ा अभी कैट स्कैनर, computerized axial tomography. Option C is ka jawab hai. Magnetic resonance imaging is used to identify the image of tumors and inflamed tissues, blood cells, skin cells, or bone structures. MRI sar ka hota hai aur uski wajah se tumor or inflamed tissues ke bare mein pata chalta hai. For what CAT stands for in X-ray technology? Computerized axial tomography. एक्सरेज के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर अच्छे नहीं होते, इसलिए एक्सरेज करने को अवॉइड करना चाहिए. इसकी वजह यह है कि एक्सरेज इतने छोटे होते हैं कि वो ह्यूमन टिश्यू में से गुजर जाते हैं, मगर इनका आयनाइजिंग इफेक्ट होता है. एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, बहुत हाई रेडिएशन होती है, तो ये टिश्यूज़ को आयनाइज कर देती है. टिश्यूज़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट कर देती है, जिसकी वजह से वो डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं और फिर डैमेज सेल्स कई दफ़ा रिप्रोड्यूस करके कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है.